महिलाओं की सुरक्षा के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने एक एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है स्मार्ट 24/7 रक्षा ऐप। मंगलवार को चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा बनाई गई इस एप्लीकेशन सांसद किरण खेर ने लॉन्च किया। आईजी आरपी उपाध्याय ने बताया कि चंडीगढ़ एक टूरिस्ट प्लेस एजुकेशनल हब है, इसी को ध्यान में रखते हुए इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। इस एप्लीकेशन को सीपी सिंह ने बनाया है। सीपी सिंह बताते हैं कि इस ऐप को बनाने में उन्हें 1.5 साल का समय लगा। इससे पहले यह एप्लीकेशन नोएडा, गुड़गांव, गुजरात सहित 8 राज्यों में लॉन्च की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इस ऐप को आसानी से गूगल प्ले या चंडीगढ़ पुलिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको डाउनलोड करने के लिए आपसे वेरीफाई कोड मांगा जाएगा। वेरीफाई कोड फीड करने के बाद आप आसानी से इसे अपने फ़ोन पर यूज़ कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन से आप अपने आप को 3 लोगों के साथ रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके बाद अगर आपको लगे कि आप डेंजर सिचुएशन में हैं तो आप एप्लीकेशन में पैनिक ऑप्शन को दबाकर पुलिस कंट्रोल रूम और अपने 2 दोस्तों को बता सकते हैं, जिसके चंडीगढ़ पुलिस आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और ऑटोमेटिकली लोकेशन उनके पास पहुंच जाएगी। हाँ जी, ये एप्लीकेशन का नाम है स्मार्ट 24/7। ये आप गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंपनी का नाम स्मार्ट 24/7 रिस्पॉन्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। ये हमारी कंपनी है जिन्होंने ये बनाया है। हम पिछले 1.5 साल से इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे थे। ये जो टेक्नोलॉजी आज हमने यहाँ पे चंडीगढ़ में डिप्लॉय की है, इसके अंदर PCR तक ये अलर्ट चला जाएगा डायरेक्टली। ये सबसे पहले हिंदुस्तान में चंडीगढ़ में हुआ है। मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, ये हमारे शहर के लिए बहुत सारी जगहों में ये रक्षा ऐप हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और चंडीगढ़ में बड़े दिनों से मैं अलग अलग काइंड के रक्षा ऐप हम लोग देख रहे थे और मैं चाहती थी इसको जल्दी लॉन्च करना, लेकिन ये बेस्ट है। एंड पुलिस के साथ मिलकर, लोगों के साथ मिलकर हम अपने सिटीजन्स को, अपने यंग गर्ल्स को, अपने सीनियर सिटीजन्स को, सब लोगों को सुरक्षा दे पाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा ऐप है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।